कि तलवारों पे सारे वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं चाहता हूँ एक बार अपन अपनी माँ के लिए जरा दोनों हाथ खड़े करें और बोलिए बोलिए जन्म देने वाले माँ के पिता की। क्योंकि अनुपमा जी वो इंसान इंसान नहीं है जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं है, और वो गीत गीत नहीं है जिसमें तान नहीं है। पत्थर या मिट्टी के मूर्तियों को पूजने वालों अपनी माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि उनसे बढ़कर इस धरती पर कोई भगवान नहीं है। क्या भगवान, और मैंने पढ़ा भी है और मैंने सुना भी है कि जब भी कोई माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जब भी कोई माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो कम से कम 21 हड्डियों तक टूटने का दर्द उसको महसूस होता है। एक बार केवल अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि संसार की जितनी माँ है उनके लिए जोरदार दान दे रहा। जब आपने माँ की बात की करी दी है तो एक बड़ी सुंदर लाइन है, हे काले रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। कौन कौन तकदीर वाला है जरा एक बार दोनों हाथ खड़े करना। तकदीर वाले हैं जो, तकदीर वाले हैं जो करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो क्षमा करे भक्ति, हो माँ हो माँ हो माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी है। चलो बुलवाओ तो इनसे, कि ये जो दुनिया है। दीदी हाँ तभी ना गा पाएंगे, आप लोग भी साथ में गाइए। जितना प्यार से बोल दिया अभी भी नहीं बोलेंगे तो नहीं गाना पड़ेगा, और जितने भी यूट्यूबर भैया लोग हैं सभी उन लोगों को भी गाना पड़ेगा साथ में, ठीक है। ओ माँ थोड़ा सा और थोड़ा सा, ओ बस आगे वाले भैया बोल रहे हैं और आप लोग का बैटरी लो हो गया भैया।
थोड़ा सा गा दीजिए। अगर माँ से प्यार करते हैं, अगर माँ से प्यार नहीं करते मैं नहीं बोलूंगी, थोड़ी देर के लिए। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, साथ में जुड़े उनको पता है काजू भैया तो ये अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल सभी को पता होगा। ये इंसान अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आज हम बड़े हो गए और भी हमसे तो बहुत बड़े हैं भैया, लेकिन जब इनकी माँ थी, बस पिछले साल इनकी माँ गुजर गई, जब इनकी माँ थी तो सेकंड सेकंड मतलब समझ लीजिए इन्होंने कह दे छोड़ दे, आज कह दीजिए। आज सच्चाई कह रहा हूँ, एक बंदा ऐसा है जोरदार ताली बजाना पड़ेगा सुनने के बाद, जिसने माँ के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, एक बार जोरदार ताली बजा दे। आज भी आज इनकी माँ नहीं है, लेकिन दो शब्द इनके लिए कहना चाहूंगा क्योंकि ये गीत है। रब जो जागे बगी को होना है, रब जो रस्ते भर रो रो के पूछा पाव के छालों ने, कि रस्ते भर रो रो के पूछा पाव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली इस दिल में रहने वालों ने। आज मैं अनुपमा जी की तरफ से और जितने कलाकार हैं उनकी तरफ से कहना चाहता हूँ, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े किस्मत वाले हैं कि आपको माँ के हाथ का खाना नसीब होता है। हम कलाकारों से पूछे कि माँ के हाथ का खाना उसका स्वाद कैसा होता है, हम आए थे यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, लेकिन माँ के लिए जो प्यार हम तरसते हैं वो आप किस्मत वाले के आपको मिलता है। लोग कहते हैं कि हम बड़े पैसे वाले, बड़े शोहरत वाले, लेकिन जिनके पास इस दुनिया में माँ बाप नहीं है उससे बड़ा इस दुनिया में कोई गरीब नहीं है, लेकिन जिनके पास इस दुनिया में माँ बाप है और उनके रहते उनकी इज्जत नहीं करते उससे बड़ा इस दुनिया में कोई बदनसीब नहीं है। बिल्कुल, एक बार मैं चाहूंगा अपनी माँ के लिए अगर हाथ नहीं खड़े होते तो ये हाथ पांव आपके लिए बेकार है, सीधे हाथ उभर कर ले। अब गा दीजिए माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, तो कितनी